सच साहस सरोकार। यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दिया इस्तीफा। गृहमंत्री अमित शाह 10 सितंबर को करेंगे राजस्थान का दौरा। दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होते ही हंगामा, सदन की कार्यवाही स्थगित। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगालने पहुंची सीबीआई टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव आए। इस दौरान कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब परिवहन विभाग में सिपाहियों की भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट तक कर दिया गया है। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ भी मिल सकेगा और उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। लखनऊ में एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी के दंगा मुक्त होने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी में अब कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ जी सख्त प्रकाशक की छवि के चलते यूपी की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था पर मुहर लगा दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रवक्ता ने। जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने पर मुहर लगी है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, जब 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज कठोर प्रशासक छवि के कारण उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। गाजीपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पल पल गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आपको बता दें कि बाढ़ से घिरे देवतीपुर और गहमर थाना इलाके के कई सारे गांव का एसपी रोहन बी पोत्रो ने नाव से जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों से बात कर उनसे उनकी समस्याओं को भी सुना। देखिए, थाना रेवतीपुर क्षेत्र में आज मेरे द्वारा निरीक्षण जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया गया था। न कुछ गांव है वहां पे जो कि न बाढ़ से थोड़े से न प्रभावित है, और उन लोगों को उन जो लोकल लोग हैं उन लोगों से भी बात न की गई। जो कैंप्स न वहाँ पे हैं पूरी तरीके से न प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं और बोट भी न वहाँ पे लगाए गए हैं। जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी या इश्यूज़ होंगे कोई, तो तत्काल वहाँ पे मशीनरी भी है, सरकारी पुलिसकर्मी भी न वहाँ पे मौजूद है, तत्काल उनका शिफ्टिंग जो है वो कराया जा रहा है। खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी इलाके से नाबालिग बच्चों के बंधुआ मजदूरी का मामला सामने आया है। सीडब्ल्यूईसी और पुलिस की रेड में 21 नाबालिग बच्चे बरामद किए गए हैं, जबकि इस मामले में कुल 39 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। वहीं पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। एक नाबालिग बच्ची जो है रेलवे स्टेशन पर मिली थी। नाबालिग बच्ची ने बताया कि जो वो बच्ची यहाँ पर आई हुई थी तो उसको जो है जॉब के नाम पर बुलाया गया था। इसमें ये कहा गया था कि आपको 15,000 रुपये महीने मिलेंगे। इसमें बच्ची जो है उससे जो है एडवांस में 8,500 रुपये ले लिए गए। उसके बाद में बच्ची ने जाने का प्रयास किया, यहाँ से निकलने का प्रयास किया, तो मालिक जो हैं जो इनको रखते हैं उन्होंने बच्ची को निकलने नहीं दिया। जो झारखंड की रहने वाली थी और उसे रेलवे चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद कल जब हम लोगों के पास
उसे पेश किया गया उनके परिजनों को बुलाने और अन्य कार्रवाई के लिए। तो हम लोगों ने उससे जो बातचीत की और उसकी काउंसलिंग करवाई, उसमें ये मामला प्रकाश में आया कि बहुत सारे अल्पय बच्चों को यहाँ पर उनसे उनको बहला फुसला करके और उनसे पैसा ले करके उनको ट्रेनिंग के नाम पर झारखंड से लाया जाता है या बिहार के सुदूर हिस्से से लाया जाता है और उनको एकदम अमानवीय वातावरण में रख करके उनके साथ उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे दबाव बना करके रोका जाता है। यहाँ कौन लेके आया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ? पहले तो मैं वो घर में थी तो फिर ललिता फ़ोन की तो बोली, हमसे पूछा कि काम कोई है तो ढूंढो, तो बोला बहुत अच्छा काम है ऐसा बोली। तो ऐसा एक महीना बात हुआ तो बोला एक महीना अच्छी काम है तो आ जाओ। तो हम बोले कि कैसा काम है, तो बोला कि नहीं थी ट्रेनिंग का काम है, मतलब ऑफिस में काम है तो ऑफिस में सिर्फ थी फाइल ऑफिस से ये उधर उधर करना है। हरदोई के शहादाबाद इलाके के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 13 छात्राएं अचानक से बीमार हो गई, जिसके बाद बीमार छात्राओं को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं चिकित्सक ने बताया कि छात्राएं उल्टी और बुखार की समस्या से पीड़ित थी, हालांकि अब सभी की स्थिति सामान्य बनी हुई है। लगभग 7:45 बजे सरकारी एम्बुलेंस 108 के द्वारा 13 लड़कियां कस्तूरबा गांधी विद्यालय की सरकारी अस्पताल शाहबाद में लाई गई। इसमें कुछ बच्चे पलटी कर रहे थे, कुछ को बुखार है और लगभग सामान्य अवस्था में हैं ये सारे बच्चे। सभी बच्चों की मलेरिया की जांच करवाई गई। इसमें एक बच्ची जिसका नाम इरम है उसको मलेरिया पॉजिटिव आया है और दूसरी एक बच्ची है दीप शिखा, उसको जो है यहाँ भर्ती कराया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शाहबाद के बच्चे हूँ और इनको अभी फीवर आ गया था और मैं इनको तुरंत सरकारी अस्पताल लेके आई हूँ जिससे कि इनका तुरंत ट्रीटमेंट हो सके। कितने बच्चे हैं? ठीक है, 10 बच्चे हैं, तो फीवर आ गया अभी अचानक। कन्नौज से पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया, जहां पर न्याय मांगने गई दुष्कर्म पीड़िता की मां से चौकी इंचार्ज ने अपने सरकारी आवास पर दुष्कर्म किया, जिसके बाद एसपी के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है, साथ ही चौकी इंचार्ज को जेल भेज दिया गया है। थाना कन्नौज कोतवाली के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि कन्नौज कोतवाली पर नियुक्त चौकी इंचार्ज के विरुद्ध वादिया ने तहरीर दी है कि उक्त चौकी इंचार्ज ने एक मुकदमे की जांच से संबंधित मामले में वादिया को अपने आवास पर बुलाकर दुष्कर्म की घटना कारित की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त आरोपी को जेल भेजा जा चुका है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर एरवा कटरा थाना क्षेत्र के बनौला कला से है, जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। वहीं युवक को हाथ पैर बांधकर खेत में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि थाने में चौकीदार के पद पर तैनात युवक के साथ कई लोगों ने तमंचे के बल पर दबंगों ने जमकर मारपीट की, साथ ही युवक को घायल अवस्था में छोड़कर दबंग भाग निकले। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर बिजनौर से है, जहां बदमाश आदित्य राणा के हमीदपुर के घर पर पुलिस ने दबिश दी थी, साथ ही फरार इनामी बदमाश की पत्नी को पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आदित्य की पत्नी के घर की तलाशी के दौरान 2 किलो चरस बरामद भी किया है। कोतवाली नगर पुलिस ने ग्राम हमीदपुर यूसुफपुर में दबिश दिया, जहाँ पर फरार अपराधी आदित्य राणा जो 1 लाख का इनामी है उसकी पत्नी के घर पर तलाशी ली गई तो उसके घर से 1 किलो 950 ग्राम चरस बरामद हुई। स्वदेशना की गिरफ्तारी की गई है, अभियोग पंजीकृत करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई जारी।
गोंडा के स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से नवजात बच्चा जानवर का निवाला बन गया। वहीं खबर करने वाले पत्रकार पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसके चलते जिला के पत्रकारों में नाराजगी दिख रही है। आपको बता दें कि लापरवाही के कारण सुर्खियों में रहने वाले जिले का स्वास्थ्य महकमा जांच के नाम पर खानापूर्ति करता है। वहीं इस अस्पताल में एक और मामला सामने आया है, जिसमें सीएचसी में इलाज के लिए ठेले से लाए गए मरीज को ओपीडी में लाने के बजाय बाहर ठेले पर ही ग्लूकोज व उपचार शुरू कर दिया गया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।